हर महीने आप 3 क्लाइंट बना रहे हो, हर महीने सिर्फ कितने नए क्लाइंट लेके आ रहे हो, 3 क्लाइंट, मतलब पूरे 30 दिन में सिर्फ 3 क्लाइंट आपको बनाने, सिर्फ 3। इतना बना सकते हो, उसके भी तरीके मैं बताऊंगा, जो कि बहुत सारी अमाउंट जो मैं लेके चल रहा हूँ ना, नॉमिनल लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल कम से कम मतलब कहीं पे भी मेरा मानना यह है कि मैं आपको जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना वो ना दिखाऊं, मिनिमम पे दिखाऊं, उससे ज्यादा हो जाएगा आपके लिए तो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 क्लाइंट आप हर महीने बना रहे हो, 12 महीने में कितना हो गए, 36, ठीक है। तो तीन 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 करके ते करते करते क्या 12 महीने में टोटल 36 क्लाइंट्स आपने अपने आप से बनाए। कैसे बनेंगे, वेट करना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 6 क्लाइंट बने, 6 क्लाइंट जो बने आपके, ये अगर इनको आपका काम पसंद आया तो ये किसी एक ना एक पर्सन को, इनके रेफरेंस से कोई ना कोई आएगा, इनको काम पसंद आया तो ये किसी और को कहेंगे, तो फिर उसके बाद आपका काम होगा। एक सेकंड देना, अब विजिबल हो गए, चलो बड़ा देखो। अगर आप क्या कर रहे हो, हर डेली बेसिस पे मतलब हर महीने आप 3 क्लाइंट लेके आ रहे हो, पूरे महीने में सिर्फ 3 क्लाइंट, ये तीन तीन बता रहा था मैं, ठीक है। 3 क्लाइंट पर डे आ रहे हैं, तो मतलब क्या वो पर मंथ आ रहे हैं, तो 12 महीने में, 1 साल में क्या 3 12 36, 36 क्लाइंट आपके अपने होंगे। अब क्या होगा, जैसे आपने दूसरे में पहले 3 थे, अगले महीने में 3 प्लस 3 6 हो गए, ये 6 क्लाइंट अगर इनको काम पसंद आया तो किसी ना किसी को आपके बारे में बताएंगे, तो इन क्लाइंट्स के कारण एक नया क्लाइंट आपके पास और आ गया। आपकी क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए, और सीधी सी बात समझो, बिजनेसमैन के कॉन्टेक्ट किसके साथ होते हैं, दूसरे बिजनेसमैन। आपके बिजनेसमैन को शायद नहीं जानते होंगे, बट एक व्यापारी जो होता है ना, एक मार्केट में जो बंदा बैठता है वो 50 व्यापारियों को जानता है, और अकाउंटेंट, सही अकाउंटेंट और टैक्सेशन का काम करने वाला पर्सन मिलना ना बहुत मुश्किल काम है। आप इस चीज को देखोगे, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन होंगे उनसे पूछना, शॉपकीपर बिजनेसमैन कोई भी, मतलब बिजनेसमैन इन द सेंस शॉपकीपर को इंक्लूड करके चल रहा हूँ, आप उनसे पूछना कि पापा, ये जो भी भैया करते होंगे या मदर, कोई भी जो भी बिजनेस में होंगे, कि आपको पिछले 2 3 महीने में किसी ने अकाउंटेंट के लिए पूछा है क्या? हाई चांसेस है यस मिलेगा उनकी तरफ से आंसर। तो इनके टर्म्स हैं, आपको नहीं कुछ करना है, अगर आपने इनको सर्विसेज दी ना, ये रोज 10 जनों से मिलते होंगे, 10 बिजनेसमैन से, उनमें से कोई ना कोई तो पूछेगा, 6 जने सिर्फ एक क्लाइंट को लेके आ रहे हैं। जब आपके पास 9 क्लाइंट हो गए, अब ये 9 जने हो गए, 9 जने क्या होगा, अगले एक जना 10 10 जनों से मिलेगा, तो 90 जनों से वो मिले, उनमें से किसी ने पूछ लिया तो आपको उनके पास 2 आएंगे। ये इधर एक आपको फोटो दिख रही होगी, एमएलएम वाला बिजनेस सुना है ना आपने, एमएलएम वाला, वो होता है कि मैं एक बंदा बनाऊंगा, वो 10 बंदे बनाएंगे, वो 10 बंदे बनाएंगे वाला, उस सिस्टम को नहीं मैं कह रहा हूँ, एमएलएम नहीं है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ऐसे काम करता है। आपको कोई चीज पसंद आती है, आपने फॉर एग्जांपल एक मोबाइल लिया, आपको मोबाइल पसंद आया, आप क्या कहोगे अपने फ्रेंड को, बहुत अच्छा मोबाइल है ले ले। एक कोई स्मार्ट वॉच पसंद आई, मैं अपने फ्रेंड को कहोगे, कोई आपको टी शर्ट पसंद है, ये क्या है, वर्ड ऑफ माउथ है। तो क्या वो कंपनी ने 1 जने को बेचा, आपको सेल किया, आपने 3 जनों को बताया, उन 3 जनों ने आगे बताया। ये एक वो था ना, सलमान खान की एक मूवी थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें वो कहते हैं कि मैंने आपके लिए अच्छा करा है ना, तो बस आप बदले में क्या करना, अगले 3 जनों का अच्छा, 3 जनों के लिए अच्छा करना, फिर वो आगे अच्छा करेंगे। पिक्चर का नाम किसी को याद हो मूवी का तो बताना मुझे, वो कौन सी मूवी थी, इसमें सलमान खान ऐसे ही कहता है, हाँ जय हो जय हो, सही कहा आपने, जय हो। तो वही सिस्टम यहाँ पे है ना, आपने क्या करा, क्लाइंट को बताया, और आपने क्लाइंट बनाया, वो क्लाइंट आगे क्लाइंट को बताएगा, क्यों, आप पे क्वालिटी होनी चाहिए। और ये चीज देखो, आप फ्री में रेफर करते हो ना, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप प्राउडली उस चीज के लिए दूसरे लोगों को कहते हो, तो यही चीज है। तो 12 जने जो होंगे वो 4 जनों को बताएंगे, 15 5 को, तो इस तरीके से एक मैं नॉमिनल कैलकुलेशन है, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि हाँ भाई 21 जने होंगे तो 10 को बता देंगे, एक रफ कैलकुलेशन, हो सकता है इससे 10 गुना ज्यादा लोगों को बता दे, हो सकता है वो इससे काफी कम लोगों को बताए, एक रफ कैलकुलेशन भी मैंने, कि इस हिसाब से जो आपने अपने 36 क्लाइंट्स बनाए और जो टोटल मिला के ये हर महीने नए क्लाइंट आपके पास आ रहे थे आपके क्लाइंट्स के थ्रू, उनकी रिकमेंडेशन के थ्रू, तो टोटल आपके पास 106 क्लाइंट हो जाएंगे साल भर। ये अमाउंट बड़ी लगती है, बट प्रैक्टिकली सोचो, क्या महीने में 3 क्लाइंट नहीं लेके आ पाओगे? मैं, चलो अभी मत ज्यादा सोचो, मैं आपको पूरा बताता हूँ, उसके बाद आपको और प्रैक्टिकल लगेगा, अभी शायद हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। चलो अब मैं ये कहता हूँ, इस चीज को छोड़ते हैं, ये कैलकुलेशन देखते हैं, पूरे साल में आप और कुछ नहीं, बस इतना बताओ, पूरे साल में 5 क्लाइंट बना लोगे, 5 क्लाइंट में क्या, किस किस को बनाना है, अपने आसपास के शॉपकीपर्स को जानते होंगे, उनसे बात कर लोगे, अपने रिलेटिव्स को जानते होंगे, दोस्तों को जानते होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे या आपके रिलेशन में होंगे जो आज तक कभी काम नहीं आए, उनको अपना क्लाइंट तो बना ही लोगे। तो इस तरीके के 5 क्लाइंट पूरे साल में 5 क्लाइंट तो बना लोगे ना, अगर मैं टिप्स शेयर कर दूं उसको फॉलो करके तो बना ही लोगे 5 क्लाइंट अगर आप बनाते हो। और वो 5 क्लाइंट ऐसे हैं, यहाँ पे मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि वो 5 क्लाइंट आपसे ये वर्क करा रहे हैं सारे,
ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ये कम फीस बता रहा हूँ मैं इसमें, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, आप ये कम फीस है, बाकी मैं स्टूडेंट्स को इतनी कम फीस चार्ज करने के लिए नहीं कहता हूँ। आगे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो हमारा 25 सर्टिफिकेशन कोर्सेज का कॉम्बो रहता था डायमंड क्लब के नाम से, वो कोर्स अब अवेलेबल है बहुत हाई डिस्काउंट पे, दैट इज 50% डिस्काउंट। अगर इसकी प्राइसिंग में आप देखना तो ऑन एन एवरेज एक कोर्स की प्राइस आपको जस्ट 396 रुपीज आएगी, यानी कि आप 25 कोर्सेज जो जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, रिटर्न फाइलिंग रजिस्ट्रेशन जिसमें ये सारी चीजें कवर्ड है, उनको आप बहुत नॉमिनल फीस पे ज्वाइन कर सकते हो, बट लिमिटेड टाइम के लिए। और इसमें आपको 16 सर्टिफिकेट अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। आप खुद सोचिए कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करने जाते हैं जॉब को, और वहां पर आपके पास 1000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उनके पास सिर्फ एक डिग्री है और आपके पास 25 कोर्सेज की नॉलेज और 16 सर्टिफिकेट्स हैं, तो कंपनी किसे सेलेक्ट करेगी? ऑब्वियसली आपको करेगी ना। और इसके बाद आप प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। इन कोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट्स 50,000 से लेकर 4 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है ना कि इतना हाई अर्निंग कैसे पॉसिबल है, तो ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे एक वीडियो है उसको देखिए, उसमें पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इस फील्ड में आप कैसे हाई अर्निंग करियर अपना बना सकते हो। आप 4,000 रुपए में कर रहे हो और वो आपको एक्सपर्ट मानेगा, क्यों? एक तो आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे, जब आपको टैक्सेशन वगैरह की सारी नॉलेज है तो आप एक्सपर्ट ही हो ना, और वो आप सारा काम संभाल रहे हो, तो वो भी रिलैक्स है कि हाँ भाई ठीक है, आप ही अकाउंट बनाओ, आप ही टैक्सेशन करो, सब कुछ कर दो, मुझे तो सब अच्छा है, और सस्ता भी पड़ रहा है, उनके 6,000 रुपए भी बच रहे हैं, तो वो आपसे कराएंगे। और फिर बाकी काम होते हैं, एमएसएमई का काम होता है, इंश्योरेंस फिगर से रिलेटेड हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हो गया, ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें और होती है, वो सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो ये सिर्फ मैं मान के चल रहा हूँ कि 2,000 रुपए का आप पर मंथ का कर रहे हो, तो 1,20,000 रुपए का यहाँ हो गया, तो टोटल मिला के 4,35,000 रुपए साल का इनकम हो गया। साल 5 क्लाइंट ये जो आपको पे कर रहे हैं ना, इसका एवरेज कितना आया? 35,000 रुपीज पर मंथ। ये जो अच्छी आपकी ड्रीम जॉब थी ना, सॉरी, जो आपकी ड्रीम जॉब थी उससे बेटर पे कर रहे हैं सिर्फ 5 क्लाइंट। ऐसे 5 क्लाइंट जो आपसे एक अच्छा बिजनेसमैन जो आपको मिल रहा है और उससे आप नॉमिनल फीस चार्ज करो। और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो कभी सस्ता मत प्रोवाइड करो अपनी सर्विस, ये फीस आप दे रहे हो, महंगी भी नहीं है, एक सही रेट है, तो यही 52,000 रुपीज पर मंथ आप चार्ज करो। सोचो 5 क्लाइंट के जगह अगर 10 क्लाइंट आप बना लो साल में, एक दिन में, एक महीने में नहीं कह रहा हूँ, साल के कह रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन साल की हो रही है, 8,70,000 रुपए डायरेक्ट एकदम आपकी इनकम जाती है अगर आपने 10 अच्छे क्लाइंट बनाए। आप अगर 20 बनाते आपके ऊपर है, अब सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, जहां तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है कि हाँ ये मुझे लगता है, मैं कह रहा हूँ 20, आपको लगता है सर मेरे बस का नहीं है 20 बनाना, मैं तो 5 बना लूँ बहुत है, 5 के हिसाब से कैलकुलेशन करो। आपको लगता है कि सर मैं तो मेहनत करने वाला स्टूडेंट हूँ, अब देखो इतने सारे स्टूडेंट्स के जो मैंने आपको दिखाया, अभी आगे और चीजें शेयर करूंगा उनके, वो कर रहे हैं, तभी तो महीने के वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस पे वर्क किया और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। तो डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि मुझे तो बस बैठे बैठे पैसे मिल जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, क्योंकि सरकारी नौकरी भी आधे से ज्यादा लोग इसलिए करना चाहते हैं कि मुझे वहां पे काम नहीं करना पड़े, जो कि बहुत गलत है। मतलब इमेज, आपकी जो माइंड में इमेज है ना कि गवर्नमेंट में वहां कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, ये गलत है आपके माइंड में। तो जॉब करने का पर्पस आपका ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको है कि बिना करे कुछ मिल जाए तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। अगर मेहनत कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ सर अगर आप मुझे टिप्स बताते हो और मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ कि क्लाइंट कैसे बनाने, 20 क्लाइंट बना रहा, ठीक है, अभी देखेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कितने हम क्लाइंट बना सकते हैं। 20 क्लाइंट इसको हम 100 कर दें, बहुत बड़ी अमाउंट आने वाली है, 7 लाख रुपीज पर मंथ। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे देखो थोड़ा सा पॉइंट है, मैं क्लियरली आपको बोलूंगा, ये 100 क्लाइंट्स वो हैं जो आपसे सारा काम करा रहे हैं, मतलब वो क्लाइंट आपसे ये सारी चीजें करा रहे हैं। तो ऐसे ना आपको शॉपकीपर्स बिजनेसमैन वाले मिलेंगे जो आपसे ये सारा काम कराएंगे और कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको इतना मंथली पे कर रहे होंगे एक क्लाइंट। मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे ना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सीखनी है, मुझे ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखनी है, यही गलती कर रहे हो आप, एक चीज के पीछे भाग रहे हो। अगर सिंपल सी कैलकुलेशन समझो, आप 1,000 रुपए ले रहे हो किसी से, 1,000 रुपए ले रहे हो और आपको 10,000 रुपए चार्ज करने हैं, तो मतलब कमाने, तो कितने क्लाइंट चाहिए होंगे? 10 क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे आपको। बट अगर आप 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, ठीक है, और कितने क्लाइंट चाहिए 10,000 कमाने के लिए? 1 क्लाइंट से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो, क्लाइंट तो किसी ना किसी के पास जाएगा, क्लाइंट क्या करेगा, किसी ना किसी के पास जाएगा, उसको जीएसटी का भी काम कराना है, इनकम टैक्स का भी, अकाउंटिंग का भी, आप कर दोगे आप, वरना किसी और के पास। लेकिन अगर उसको एक ही जगह सारी चीजें मिल रही हैं, एक तो वो आपके ऊपर डिपेंड ज्यादा हो गया, वही जो मैं कह रहा था, छोड़ के नहीं जाएगा, और दूसरा अगर आपके ऊपर से ज्यादा काम करा रहे हो, वो सारी चीजें हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर बेटर है।
ठीक है, तो आप उससे फिर अर्न भी कर पाओ। तो यहाँ पे 100 क्लाइंट्स, मैं कह रहा हूँ चलो साल भर में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में, 10 साल में कमा, आप 100 क्लाइंट्स बना रहे हो ऐसे, 10 साल बाद अगर आप ये कमा पा रहे हो ये अमाउंट 7 लाख पर मंथ, तो कम है क्या? ये जॉब में कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। और रिस्क बिजनेस में भी नहीं पॉसिबल है जब तक कि वहां पे रिस्क हो, या तो रिस्क भी नहीं है, और ये सही फीस चार्ज कर रहे हो, तो ये वाला पॉइंट वहां पे आता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर होंगी। एक बार मुझे लिखना सब गुड, अगर आपको अच्छी लगी ना तो वाव लिखना, वाव, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं, कैलकुलेशन लगी है, अब आगे तो मैं भी बताऊंगा आपको, तो यहां से लिखना वाव।